हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई कर दिए हैं और लगातार आप चेक भी करते हैं कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस कैसा है। बट एप्लीकेशन करते समय अगर आपका कोई गलती हो जाता है या आप जो मोबाइल नंबर दिए हैं वो मोबाइल नंबर अभी इस वक्त आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो नंबर खो गया है या वो नंबर बंद है या आपने उसमें कुछ गड़बड़ी कर दिए हैं एप्लीकेशन में, तो किस प्रकार से आप उसको चेंजेस कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपना असेसमेंट को एडिट कर सकते हैं, पूरा जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर एप्लीकेशन करते समय किसी भी गलती अगर कर चुके हैं तो उस समय में आप बैंक का गलती हो सकता है, आपका एड्रेस का गलती हो सकता है या आप जो मोबाइल नंबर दिए हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है या आप जो नाम डाले हैं नाम में कुछ गलत भी आप दे सकते हैं या आपने जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट की थी उस डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है तो आप उस डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर लिए हैं तो उस नया अपडेट डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से आप अपडेट कर सकते हैं, पूरा जानकारी मैं देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। चैनल में अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इस तरह का टेक वीडियो डेली अपलोड लाता हूँ जो आपका काम पे आए। प्रधानमंत्री आवास योजना में जब आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन में उस समय में जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं, जो अपना डिटेल्स पर्सनल डिटेल्स आप सबमिट करते हैं उसमें फॉर्म फिलअप करते समय कोई भी गलती हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है, तो उसको आप कैसे सुधारिएगा पूरा जानकारी मैं देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आप सभी को भी लेके चलेंगे मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन में मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ कि ज़्यादातर व्यूअर मोबाइल यूज़ करता है और मोबाइल में आप आसानी से ये चीज़ को कर सकते हैं। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। तो तभी चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, आप अगर जब आपका असेसमेंट को एडिट करना चाह रहे हैं उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है उसके बारे में भी आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैं उसी पेज के अंदर हूँ कि आप अपना असेसमेंट को एडिट कर सकते हैं, आपका असेसमेंट फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, किस प्रकार से आप एडिट करिएगा तो चलिए पूरा डिटेल्स आप लोगों को समझाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे कि मैं प्रधानमंत्री आवास योजना उर्वन का जो वेबसाइट है, शहर इलाके के लिए जो घर है वो उन्हीं के लिए ये प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि उस वेबसाइट में मैं चले आया हूँ। तो इसी वेबसाइट में अंदर आप लोगों को आ जाना है और उसके बाद देखिए ऊपर में एक यहाँ पे फोर लाइन है। तो इस फोर लाइन में आपको क्लिक करना है। फोर लाइन में क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा सर्च बेनिफिशरी और उसके बाद दिखेगा सिटीजन असेसमेंट। तो इसी में आपको प्लस जो आइकॉन हो इसमें आपको क्लिक करना है। प्लस आइकॉन में क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने यहाँ पे कुछ पेज खुल जाएगा जहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई लिखा हुआ है और उसी के ठीक नीचे देखिए एडिट असेसमेंट फॉर्म, इसी में आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए एडिट असेसमेंट फॉर्म में क्लिक कर लेते हैं। एडिट असेसमेंट फॉर्म में क्लिक करने के बाद ही आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप अपना असेसमेंट फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। किस प्रकार से आप एडिट करिएगा, असेसमेंट आईडी का जरूरत होगा। असेसमेंट आईडी अगर आपके पास नहीं है तो अभी आई बटन में जाइए, असेसमेंट आईडी किस तरह से आप निकालिएगा उसका वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल में। तो अभी आई बटन में आपका वीडियो शो हो रहा है तो इस वीडियो को देख के आप असेसमेंट आईडी निकाल सकते हैं आपका। और यहाँ पे जरूरत है मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपने दिए थे वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद अगर आप शो में क्लिक करिएगा तो वहाँ पर आपका फॉर्म वहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आप एडिट कर सकते हैं अपना असेसमेंट फॉर्म को। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपना असेसमेंट फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप असेसमेंट फॉर्म को एडिट करते समय कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमको कमेंट करिए, मैं इसके रिगार्डिंग फुल वीडियो बना दूंगा कि आप लोग किस प्रकार से आप अपना असेसमेंट फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, पूरा जानकारी वाला वीडियो एक आप लोगों को दे दूंगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा है जरूर हमको कॉमेंट करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इस तरह का ही टेक वीडियो डेली आप लोगों को लाता हूँ। और असेसमेंट आईडी अगर अभी भी आपने नहीं निकाले हैं तो वीडियो देख सकते हैं, मेरा चैनल में वीडियो अवेलेबल है और अभी आपका आई बटन में भी शो होगा। और ये वीडियो अगर आप देख के असेसमेंट आईडी को निकाल लेते हैं तो असेसमेंट आईडी के ज़रिए आप
आपका जो एप्लीकेशन उसको स्टेटस जो है उसको ट्रैक कर सकते हैं, आपका एप्लीकेशन किस पोजीशन में अभी है उसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं असेसमेंट आईडी से। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मैं इस तरह का टेक वीडियो डेली अपलोड लाता हूँ जो आपका काम पे आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आई एम अ ट्रेडिंग वीडियो।